हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ डेथ ऑफ ए पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर। इसके पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू पोस्ट कर दिया है, आज मैं पार्ट थ्री पोस्ट करने वाला हूँ। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को जल्द जल्द पोस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, बारिश में यह वीडियो शूट करने में 3-4 बार साउंड आ रहा था, बारिश की साउंड आ रही थी बैकग्राउंड पे। इसीलिए हम मेहनत करते हैं आपका सिलेबस पूरा करने के लिए। आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुडविल निकालना है। गुडविल के बारे में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी वेयर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी टू पार्टनर हैं, यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर जिसका रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5, ध्यान दीजिएगा। ऑन July 1, 2019 बी डेथ, 1 जुलाई 2019 को बी डेथ कर गया, ये बी की मृत्यु हो गई। बेटा आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अब बी के डेथ पर क्या निकालना है, क्वेश्चंस इजी वे में आपको समझा रहे हैं। बस इसको वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि हम आपको इजी वे तक पहुंचा रहे हैं, सबसे इजी वे में समझा रहे हैं आप लोगों को। पार्टनरशिप डीड में है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज लीगल हायर्स वेयर इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके कानूनी उत्तराधिकारी को जो गुडविल दिया जाएगा बेस्ड ऑन 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। गुडविल निकालना है, यह गुडविल कैसे निकालता है इसको पार्ट थर्ड में आपको, पार्ट चैप्टर 3 में आपको बताया है। यहाँ पर निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका फॉर्मूला है क्या, एवरेज प्रॉफिट याद कीजिए बेटा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है, 1 ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया है, ये हमेशा दिया रहता है। 1 ईयर परचेज, देखो 1 ईयर परचेज इनटू 1 हो जाएगा, यहाँ इनटू 1। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हमने आपको बताया था कि जितने साल का प्रॉफिट दिया है सारे प्रॉफिट को ऐड करो और उतने साल से डिवाइड कर दो, 3 साल का प्रॉफिट दिया। यहाँ निकालते हैं हम वेयर, यहाँ निकालते हैं बेटा वेयर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 3 साल का प्रॉफिट दिया, लिखो आप 16,400 फर्स्ट 16,400 प्लस 19,500 और प्लस 21,700, ये प्रॉफिट है। 21,700 डिवाइडेड बाय 3, ये निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। जोड़िए आप 16,400, 19,500 और 21,700, ये 57,600 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट 19,200, एवरेज प्रॉफिट 90,200, यहाँ पे लिखे एवरेज प्रॉफिट 19,200। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 19,200, या गुडविल निकल गया, पूरे फर्म का गुडविल निकल गया। फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन इसी टाइप कीजिएगा जब एग्जामिनेशन में देगा। अब इसमें बी का शेयर दो, यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर बी डेथ हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं बीज शेयर ऑफ गुडविल। बी का शेयर है 19,200, पूरे फर्म का गुडविल है और बी का रेशियो है 2/5, 19,200 × 2/5, 7,680, यही निकालना है क्वेश्चंस में, 7,680 बी शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पार्टनर डेथ किया है उसका गुडविल निकालिए, निकल गया 7,680, ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। एंट्री अगले क्वेश्चंस में आएगा, हम आपको इसका एंट्री भी बता रहे हैं, इस क्वेश्चंस में एंट्री नहीं बनाना है, बस बन गया 7,680। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा,
देखो ध्यान से, एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर्स, एक्स वाई एंड जेड, बढ़िया से समझिएगा, इजी वे में आपको समझा रहे हैं हम। इनका रेशियो है 5, 3 and 2, 5, 3 and 2, 5 by 10, 3 by 10 एंड 2 by 10, ये इनका रेशियो है। क्वेश्चन में है कि एक्स डेड, एक्स डेथ कर गया, एक्स मर गया बेटा, मृत्यु हो गई, एंड ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब कौन बचा, एक्स डेथ कर गया तो केवल बचा है ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो इनका किसका न्यू रेशियो होगा, वाई और जेड, यही दो बच जाते हैं, तो इनका न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है आर वाज इक्वल, क्या है इक्वल, 1/2 और 1/2, 2 पार्टनर इक्वल होते हैं तो 1/2, 3 पार्टनर इक्वल होंगे तो 1/3, 4 पार्टनर इक्वल होंगे तो 1/4, इसी तरह चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। आगे चलते हैं बेटा, ऑन एक्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 50,000। एक्स जब डेथ किया है तो पूरे फर्म का गुडविल कितना है, 50,000, तो एक्स का शेयर निकालो आप, यहाँ पर निकालते हो एक्स शेयर ऑफ गुडविल 50,000 का 5/10 25,000, एक्स को कितना शेयर देना है गुडविल 25,000, एक्स को देना है 25,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना है, और पास जर्नल एंट्रीज ऑन एक्स डेथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं बेटा, गेनिंग रेशियो यहाँ लिखते हैं हम, देखो गेनिंग रेशियो का डिफिनेशन क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लिखिएगा आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो, और सेक्रीफाइस का ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। तो आप निकालिए वाई का और जेड का, वाई का न्यू रेशियो 1/2, जेड का न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो वाई का 3/10, इसका बेटा 2/10, अब आइए ये 10 हो जाएगा 5 माइनस 3 2/10, ये भी हो जाएगा 10, 5 माइनस 2 3/10, यानी गेनिंग रेशियो 2 और 3, 2/5 एंड 3/5 गेनिंग रेशियो हो जाता है, नीचे वाला आ जाता है, 2 और 3 हो गया गेनिंग रेशियो। अब इसकी एंट्री कैसे होता है, क्या होता है इनिंग एंट्री, जैसे रिटायरमेंट में रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर बच जाते हैं उसको डेबिट करो, और जो पार्टनर डेथ कर जाते हैं उसको क्या करो, क्रेडिट करो, यही एंट्री होता है। एंट्री को फॉर्मेट में बनाइएगा, यहाँ लिखिएगा आप ऊपर में जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज कितने फॉर्मेट होते हैं, 5, डेट क्या लिखिएगा, पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, और फिर अमाउंट क्रेडिट, इसी परफॉर्मा में आप एंट्री बनाइएगा बेटा, ये रुपीज लिख दीजिएगा आप, ये देखिए एंट्री होता है। तो एंट्री रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन बच गए, वाई और जेड, यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बेटा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को कितना देना है गुडविल 25,000, किस रेशियो में दिया जाएगा गुडविल को, गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो मतलब क्या, 2/5, 25,000 का 2/5, 25,000 का 2/5, 25,000 का 2/5, 10,000 वाई देगा, और 15,000 कौन देगा बेटा, जेड देगा। तो जब भी डेथ में या रिटायरमेंट में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, गेनिंग रेशियो में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो में, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ये नोट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर आते हैं। बींग यहाँ पर लिखिएगा, बींग गुडविल, गुडविल क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल, यह क्वेश्चन बन गया बेटा, यह क्वेश्चन बन के तैयार हो गया आपका, रेडी हो गया। ये एग्जामिनेशन में अगर गुडविल निकालने के लिए दो तो यहीं तक रह जाओ, अगर आप एंट्री कहेगा बनाने के लिए तो आगे बढ़ो, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं बेटा,
एट देखिए, क्वेश्चन नंबर एट, एट देखिए बेटा, एट में है कि राम मोहन एंड सोहन थ्री पार्टनर्स, राम मोहन एंड सोहन आर थ्री पार्टनर्स, रेशियो 2:1, 2:2 and 1, 2/5, 2/5 एंड 1/5, 1/5, 2:4, 1/5 हो गया। ऑन 28 फरवरी 2019 मोहन डाइड, मोहन डेथ कर गया बेटा, ये रिटायर डेथ कर गया। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड सोहन आर वाज इक्वल, इसका ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो इनका इक्वल है, राम और सोहन बच गए 1/2 और 1/2, ये तो चला गया, डेथ हो गया इसकी। आगे चलते हैं, ऑन मोहन डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,50,000, वही एंट्री जो पिछला हमने क्वेश्चन बनाया था, पूरे फर्म का गुडविल है 1,50,000, यहाँ निकालते हैं मोहन का शेयर निकाल लीजिए, मोहन शेयर ऑफ गुडविल, मोहन शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 × 2/5, 1,50,000 × 2/5, × 2/5, 60,000, ये एंट्री करना है बेटा। तो एंट्री हमने आपको बताया है क्या, रिमेनिंग टू डिकीज पार्टनर, रिमेनिंग कौन कौन बच गए, यहाँ पर एंट्री करते हैं, आप एंट्री परफॉर्मा में कीजिएगा, क्या एंट्री करेंगे हम, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद कौन बच गए, सोहन, यहाँ लिखेंगे हम सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स में बेटा 60,000 यहाँ पर लिखिएगा, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू मोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल गुडविल क्रेडिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब ये 60,000 को किस रेशियो में बांटना है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, क्या यहाँ गेन बराबर, यहाँ लिखते हैं गेन बराबर न्यू माइनस ओल्ड, निकालिएगा राम का और सोहन का, न्यू है 1/2, इसका भी 1/2, ओल्ड है बेटा 2/5 and 1/5, 2/5 and 1/5, यह हो गया 10, 5 minus 4, 1/10, इसका हो गया 10, 5 minus 1, 4/10, अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो 1 or 4, 1/5, 4/5, यानी 60,000 का 1/5 कौन देगा, राम्स, एंड 60,000 का 4/5 कौन देगा, सोहन, 60,000 का 1/5 बेटा देगा, 60,000 divided by 5, ये देगा, ये कितना आ गया बेटा 1, और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10, तो अब 1 और 3 इनका रेशियो हो जाएगा 1 और 3, 1/4 and 3/4, तो 60,000 का 1/4, 15,000 राम्स देंगे, एंड 60,000 का 45,000 कौन देंगे, सोहन देंगे, ये एंट्री हो गया। तो सबसे पहले आप जब भी एग्जामिनेशन में याद कीजिएगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ, दोनों समय में गेनिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जब एडमिशन हो तो उस समय सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल को बांटा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन इजी वे में आपको, हम इजी वे में फास्ट भेज रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा हो जाए तभी ना रिविजन करेंगे कि एडमिशन देंगे आप, बस हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है बेटा। अब हम अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।